व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मेरी वीडियो में क्या होगा इज लाइक मैं एक चीज का रिव्यू दूंगी आप लोगों को कि कैसा लगा मुझे। यूजुअली मैं ऐसी चीजें खरीदती नहीं हूँ, पर मैंने पहली बार खरीदा है तो मैं सोची थी ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या खरीदा है मैंने आज, मैं ना बहुत जल्दी दिखा देती हूँ। ओके, तो मैंने ये खरीदा हुआ है, फ्लिपकार्ट से ADS का मेकअप किट खरीदा हुआ है। तो यस, मैं यू नो यूजुअली स्कूल डेज से बहुत पसंद करती थी इन चीजों को, और लाइक यू नो आई नेवर थॉट इट्स गोना बी सो गुड। एक्चुअली कुछ गिरा यार। ओके, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंने खरीदा हुआ है, और यू नो आई होप आप सब लोगों को भी बहुत शौक होगा मेकअप वगैरह देखने का। तो ये किट जो है अमेजोन से 230 का लिया था मैंने, और देखो इस तरीके की लाइक बॉक्स है, बहुत ही क्यूट सा बॉक्स है राइट। और ना इसमें आई शेडो पैलेट्स हैं, कॉम्पैक्ट है, ब्लशेज हैं, और ये लिपस्टिक्स है आई गेस, हाँ, और एक क्यूट सा मिरर है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर मिरर है। एंड यू नो काफ़ी वीडियोस देखी हैं इन चीज़ों की, यू नो कईयों के मेकअप्स बहुत अच्छे टर्न आउट होते हैं और कई वीडियो मीन्स मेकअप्स अच्छे नहीं होते। तो चलो मैं भी ट्राई करके बताती हूँ आप लोगों की ये मेकअप कैसा है, इसका रिव्यू दिखाती हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट करने में ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो यस, तो पहले मेकअप लगाएंगे ये वाला, और मेरी मॉम यूजुअली कहती है डोंट अप्लाई मेकअप यू नो, बिकॉज यू नो अगर जब बंद करोगे ना मेकअप लगाना तो बहुत ही गंदा दिखेगा चेहरा। और जैसे कि हम नेल पेंट्स लगाते हैं उसके बाद कभी कभार नहीं लगाते तो कितना गंदा बद्दा दिखता है ना, तो वैसा ही लगता है ये मेकअप्स भी। पर आई गेस सो अगर हम मेकअप को मॉइस्चराइज पहले से मॉइस्चराइजेशन करेंगे उसके बाद मेकअप लगाएंगे तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता होगा स्किन पे। एनीवेज, उम्र हो चुकी है, आप ज्यादा स्किन केयर ज्यादा क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी चेहरा धोया है, देखिए डार्क स्पॉट्स वगैरह वैसे ही है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले अपना लोटस का सन सेफ लगा लेती हूँ, वैसे भी धोने वाली हूँ चेहरा थोड़ी देर बाद फिर से। और जैसे कि काजल तो पहले का बचा कुचा ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं लगाया सच में। मुंह धो के सीधे आप ही के पास यहाँ पे आई हूँ, सोचा था कि दिखाऊंगी आपको वीडियो। ये सनस्क्रीन लगा सकते हैं, फिर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं आई थिंक। सो ये लोटस का जो सेफ सन है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर है, बहुत ही ऑयली जैसा है, तो वही लगाएंगे। तो हो गया, थोड़े शाइनी जैसा लग रहा है राइट इसे लगाने से। तो इसे थोड़ा सा सेट होने देते हैं। हो गए 5 मिनट। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इज आई गेस ये कॉम्पैक्ट लगाएंगे, ये एक कंसीलर और फाउंडेशन का काम करेगा। सच में यार मैं तो सच में प्रोफेशनली बात कर रही हूँ ना, मुझे सारे नाम याद आ रहे हैं। ओके, ज्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा देखो निकल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लगा देंगे, बस बहुत अंदर मत चले जाना, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और थोड़ा लगाते हैं, कुछ फर्क नहीं लग महसूस हो रहा मुझे, ऊपर ऊपर से लगा लेंगे, पता नहीं इतना अच्छे से घुस नहीं रहा है, और मेरी गर्दन पूरी काली लग रही है, गर्दन पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये ब्रश से कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, हाथ से थोड़ा ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर लेते हैं। यू कैन सी थोड़ा बहुत लग रहा है ना, फेयर जैसा लग रहा है। ओके गाइस, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें ये ब्लशेज है दो कलर में, एक रेड और एक पर्पल कलर का है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पर्पल लगाती हूँ, रेड तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ से आई हुई हूँ, लाइक यू नो थोड़ा सा लगाती हूँ, ज्यादा मुझे पसंद नहीं है ब्लश, यू नो आई डोंट लाइक मच, पर इसके पिगमेंट्स देखो, ओह माय गॉड। अब इसे ब्लेंड इस साइड से कर लेते हैं, आई डोंट लाइक ब्लश, मुझे चेहरा लाल लाल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी धूप में जाके ना चेहरा लाल ही हो जाता है ऑलरेडी। ओके, काफी हो गया यार, बट इट्स टर्निंग आउट गुड, आई होप सो मेरी स्किन इरिटेट ना हो, क्योंकि गुड ना, ठीक ही लग रहा है, नॉट बैड यू नो, आई जस्ट थॉट लाइक इट विल बी वेरी अजीब सा होगा, ओके है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने निशान डाल दिया है, आई थिंक सो आई हैवंट ब्लेंडेड इट नाइसली यू नो। ओके, अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना ब्लश, ओके सो गुड यार, ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे करके आगे आगे बैंड करके ना मेरे कमर में दर्द हो रहा है। ओके गाइस, तो आई शेडो लगाने का टाइम आ गया, इसे आई शेडो लगाएंगे, कौन सा आई शेडो कलर लगाओ, थोड़ा सा जैसे कि पर्पल यूज किया मैंने यहाँ पे अपने ब्लश पे, तो पर्पल वाला आई शेडो यूज करते हैं,
वैसे भी पर्पल मेरा फेवरेट कलर है. वाओ सो गुड यार, देखो इसकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है. बस आई को फिर से इरिटेट ना करे तो ओके. ये रहा ना, अब मैं इसे लगाती हूँ. अरे यार मेरे में आई शेडो ही नहीं है, तो शेडो ही नहीं है तो मैं कहाँ लगा रही हूँ इसे. इट्स सो लाइक यू नो नॉट बैड यार, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड रियली मैं पहली बार लगा रही हूँ फॉर फर्स्ट टाइम ना. ज्यादा पिगमेंट्स नहीं, आंखों में घुस जाएगा, होली जैसा लग जाएगा. ना पर्पल कलर है, यू कैन सी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ज्यादा तो. काश मेरी पलकें जो है वो बड़ी बड़ी होती तो इट वुड लुक जस्ट ग्रेट. पर यू नो इसमें कमी है और वो है काजल. इसमें काजल नहीं है. एक और मेकअप किट था पिंक कलर का, उसमें काजल था और आईब्रोज थे. वैसे तो मैं ये सब चीजें यूज नहीं करती, दिस इज जस्ट इनफ. ओके टाइम है लिपस्टिक लगाने का. कौन सा कलर लगाऊं? ओके हटो, एक ब्राउन कलर है, एक रेड है और एक नीचे वाला पिंक है और एक रेड है. तो मैं सोच रही थी मेरे हिसाब से ब्राउन अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी ड्रेस ब्राउन है, तो ब्राउन वाला लिपस्टिक लगा देते हैं. अरे कैसे लगाएंगे इसे यार, ये लगाने के लिए है क्या? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा, हाथ से लगा लेती हूँ यार. ऐसा कलर है इसका ब्राउन. लिपस्टिक बुरी नहीं है यार, लिपस्टिक इज सो गुड, यू नो क्रीमी है एंड कलर भी ठीक दे रही है, न्यूड सा कलर यू नो. वैसे तो मुझे पॉपी कलर्स पसंद है पर ये न्यूड सा दे रहा है. तो कि थोड़ा सा इसके ऊपर ये थोड़ा पिंक सा मिक्स कर लेते हैं. नॉट बैड, अच्छा लग रहा है. तो ओवरऑल मैंने सब कुछ लगा दिया है एंड आई एम रेडी. अब बस वैसे तो खुले बाल तो अच्छे नहीं लगते मुझ पे, तो बस मैं ऐसी ही हूँ, थोड़ा आगे आ जाती हूँ. ओके आप लोगों को दिखाती हूँ अपना मेकअप लुक. आई शेडोज दिख नहीं रही है, कुछ भी ज्यादा फर्क पता नहीं चल रहा है, फिर भी चलो. तो ये फाइनल लुक है मेरा और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ADS का मेकअप किट ही यूज किया है और कुछ भी नहीं किया है. बिल्कुल लाइट मेकअप नो मेकअप लुक जैसा दिख रहा है, राइट? ना मैंने आई काजल लगाया है ना कुछ, सिर्फ आई शेडोज लगाई हुई है और लिप कलर और ब्लश और ये जो कॉम्पैक्ट था वही लगाया और कुछ भी नहीं लगाया. हाँ मॉइस्चराइजर अपनी तरफ से लगाया था और कुछ भी नहीं लगाया. अगर मैं मॉइस्चराइजर के अलावा सब कुछ लगाती तो और ज्यादा अच्छी लग सकती थी, बट दिस इज द मेकअप लुक. एंड ये प्रोडक्ट जो था ठीक ठाक था, इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था. लाइक ट्राई करने के लिए ठीक है, कभी कभार फोटोशूट करते वक्त ऐसे ठीक है. बाकी बाहर जाके कैसा दिखेगा पता नहीं, घर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रूम में बहुत अच्छा लग रहा है. बाहर तो ऐसे लगा के भी नहीं जा सकते, लोग बोलेंगे चिकनी चमेली जा रही है. सो दिस इज सो गुड, अपने घर पे पार्टीज वगैरह पे या फिर ऐसे अच्छा लग रहा है. पर यू नो मैं वैसे नहीं लगाने वाली इसे क्योंकि जस्ट ट्रायल के लिए लिया था, रिव्यू के लिए लिया था, तो आई कैन से जस्ट फॉर टाइम पास अच्छा है. बाकी बाहर वगैरह लगाने के लिए तो हमें कंसीलर जैसे कुछ चीज़ें खरीदनी हो सकती है, पर सनस्क्रीन इज मोर देन इनफ फॉर मी. सो गाइज आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो एक थम्सअप दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा. और मिलते हैं दूसरे वीडियोज में, बाय बाय.